हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो अपने फन बॉक्स के पिटारे में से। हाँ, अब ये मेकअप वीडियो है उन लोगों के लिए जो बहुत ही जल्दी में रहते हैं, जिनके मेकअप प्रोडक्ट्स इधर उधर रहते हैं। जिस टाइम पे वो रेडी होने जाते हैं उस टाइम पे उन्हें कोई भी मेकअप प्रोडक्ट समझ में नहीं आता कि कौन सा यूज़ करें कौन सा ना। तो बेसिकली ये मेकअप वीडियो उन लोगों के लिए है। तो ये मेकअप वीडियो है कि जिसके अंदर मैंने केवल और केवल 4 प्रोडक्ट यूज़ करके ये पूरा मेकअप लुक रेडी करा है। अब कुछ एक्साइटमेंट तो जगी होगी आपके अंदर, तो इस एक्साइटमेंट को कंप्लीट ख़त्म करते हुए हम चलते हैं अपनी मेकअप वीडियो की तरफ। इस पूरी मेकअप वीडियो को देखिएगा और देखिएगा किस तरीके से मैंने इस लुक को रेडी किया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है, तो आप उसे बजा सकते हैं मेरी हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को और साथ ही साथ मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी मेकअप वीडियो की तरफ। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए स्टेक वर्की की सीसी क्रीम। ये बहुत ही अच्छी सीसी क्रीम है, इसके अंदर आपको SPF भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर फाउंडेशन की क्वालिटी भी मिल रही है। और उससे भी अच्छी चीज़, ये आपके स्किन के अंदर इतनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है, इतनी अच्छे से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल हैवीनेस आपको फील नहीं होगी। तो इस क्रीम को डॉट डॉट लगा के अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, नेक एरिया को कवर करते हुए, सारे फेस के कॉर्नर्स को लेते हुए हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने पूरे फेस पे। अब सेकंड थिंग जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है स्टील का कॉम्पैक्ट। अब स्टील का कॉम्पैक्ट लेने का जो मेन मोटो है वो ये है कि इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, ये मैटिफाई लुक देता है, इसके अंदर भी आपको SPF मिलेगा, तो समर टाइम के लिए ये मेकअप प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। हम बेसिकली इसी के पफ को यूज़ करेंगे, नेक एरिया को लेते हुए काफ़ी अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे इस कॉम्पैक्ट को। सो फ्रेंड्स, अब आती है आईब्रोज की बारी। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ लैक्मे की आइकॉनिक काजल। अब आप सोचेंगे आईब्रोज को फिल करने के लिए काजल का यूज, सो यही है ट्रिक। तो हल्के हाथ से अपने फिंगर की हेल्प से हम इस काजल को मर्ज कर लेंगे अपने आईब्रोज के एरिया पे। देखिए बिल्कुल परफेक्टली लुक निकल कर आता है इससे भी। अब आती है आई शेडो की बारी। अब आई शेडो तो हमारे पास है नहीं, और बेसिकली जब हम होते हैं काफ़ी रश में काफ़ी जल्दी में, तो कहाँ हम ब्लेंडिंग करेंगे, कहाँ ब्रश ढूंढेंगे, कहाँ हम कौन सा आई शेडो यूज़ करना है ये सिलेक्ट करेंगे। हाँ, मैं ले रही हूँ NYB की लिपस्टिक इन द शेड नंबर 6। ये काफ़ी प्यारा कोरल ऑरेंजिश कलर है। इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने आई शेडो एरिया पे लगाऊंगी कुछ इस तरह। देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक निकल कर आ रहा है। हम फिंगर की हेल्प से अच्छे से मर्ज कर लेंगे इसको। अब सेम ब्लशर के लिए भी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सेम लिपस्टिक। इसे भी हम डॉट डॉट करके अपने चेक बोन पे लगा लेंगे और फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। इस पूरे लुक को बेसिकली अगर हमें कंप्लीट करना है तो जो लिप शेड है वो काफ़ी मेन पार्ट में आता है। तो जो कलर हम चूज़ करेंगे लिप शेड का, वो हम कुछ कोरल ऑरेंजिश कलर यूज़ करेंगे या फिर पिंकिश कलर यूज़ करेंगे या रेडिश कलर यूज़ करेंगे। अब आती है काजल के बारे। काजल के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ सेम लैक्मे का आइकॉनिक काजल। इससे मैं अपने काजल एरिया को फिल करूँगी। अब लिपस्टिक के लिए तो है ही हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है वो है NYB की लिप शेड। अब एक मेन पार्ट, काजल को कंप्लीट करते वक्त अपनी फिंगर से इसे स्मश करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे सबसे पहली बात तो आपका काजल इधर उधर रिमूव नहीं होगा, आप काफ़ी बहेगा नहीं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टे होगा। सो ये हुआ हमारा फाइनल लुक रेडी। सो बेसिकली
कम प्रोडक्ट में यूज़ करते हुए भी हम अच्छे से अच्छा मेकअप लुक निकाल सकते हैं। तो मेरा मेकअप लुक तो है ये, अगर आप इससे भी अच्छा कोई मेकअप लुक निकाल सकते हैं, ये रेडी कर सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।